हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमित यादव, चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद की तरफ से। आज एक बहुत बड़ी अपडेट है और हम आपके लिए बहुत खुशी की बात है। जो 5 साल से वेट कर रहे थे हम, उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिसमें आवेदन की डेट भी बता दी गई है। अब चलते हैं सीधे, बहुत ज्यादा बातें दो नहीं करेंगे, आपको भी बहुत इंतजार होगा, जल्दी से सारी जानकारी आपको देते हैं। मेन मेन मुद्दे क्या रहेंगे, आयु क्या होने वाली है, आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, कब तक चलेंगे, एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारे मुद्दों को बहुत ही कम समय में टाइम बिना आपका लिए हुए हम शुरू करेंगे। देखिए, ये नोटिफिकेशन आई हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है सूचना विज्ञप्ति। आपको यह दिनांक विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाओं बोर्ड की वेबसाइट uppr.pbgovernment.in से बिल्कुल ऑफिशियल साइट पर दी गई जानकारी है। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। ये आपकी वैकेंसी का ब्यौरा है जो कि सबसे बड़ी जानकारी आपके जानने के लिए है। अनारक्षित 24,102, EWS 6,024 जो कि 10% होता है टोटल वैकेंसी का। अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264, अनुसूचित जाति 12,650 और अनुसूचित जनजाति 1,204, जिनको मिलाकर टोटल हमारा योग बनता है 60,244। ये हमारी टोटल वैकेंसी है 68,244। ये तो जानकारी आपको कहीं ना कहीं से मिली गई होगी। और आगे चलते हैं इसमें। देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। आगे की अपडेट लेते हैं। आवेदन का समय, मेन टारगेट ही आपके लेके चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27/12/2023 है, 27 दिसंबर से, मतलब 2023 में ही आवेदन शुरू हो जाएगा। 27/12/2023 से आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024 है। टाइम बहुत कम दिया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लेट मत करना। साइबर कैफे पे साइट भी बिजी होने जैसी समस्या हो सकती है क्योंकि सिर्फ 16/4/20 दिन का टाइम दिया गया है ऑनलाइन के लिए। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18, जरूरत ही ना पड़े, भगवान ना करे कि तुम्हें कोई संशोधन करना पड़े, आप 16 तारीख तक ही अपने काम को सही से निपटा लें, कंप्लीट कर लें। आवेदन शुल्क है, इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क ₹400 लिया गया है। कोई कैटेगरी वाइज ऊपर नीचे नहीं किया गया है कि जनरल ओबीसी इतना, एससी एसटी इतना, सभी के लिए ₹400 का आवेदन का शुल्क रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अहर्ताएं, अहर्ताएं में 90% चीजें आप जानते ही होते हैं और उन्हें आप सुनना भी नहीं चाहते हैं, जैसे राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता तो हम सब भारतीय हैं, इसकी हम बात ही नहीं करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक अहर्ता, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत में गृह द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अहर्ता होनी चाहिए, आवश्यक है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित अहर्ता अवश्य धारित करनी चाहिए, ये बातें आपको बताई गई है। अधिमानी अहर्ताएं क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस के 3 चीजें होती हैं, वो आप तीनों देख लीजिए। DOEACC सोसाइटी के कंप्यूटर में ओ स्तर का कोई प्रमाण पत्र अगर है तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी, कंडीशनल है ये, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ कंडीशनल है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। तीसरा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये कंपलसरी कंडीशंस नहीं है। आइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, लोगों को लगता था कि 2 साल जो कोरोना में हमारे खराब हुए हैं उसकी वजह से हमें कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इन्होंने स्पष्ट इसमें कह दिया है कि नहीं मिलेगा। देखिए, पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब 22 वर्ष से आपको कम ही होना चाहिए, यह कंपलसरी है। अर्थात जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां के बीच में अगर आपका जन्म है तभी आप पात्र हैं आवेदन करने के। 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 22 वर्ष से कम होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी 1/7/2023 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर चुकी हो, महिला अभ्यर्थियों के लिए 25 साल से कम की एज होनी चाहिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 22 साल से कम की एज होनी चाहिए। हाईलाइट करके मैं बता देता हूं, ध्यान से आप सुन लें।
और इनका भी जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट, जो आप आयु में छूट की बात करते हैं, पहली कंडीशन है कि वो उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए, उत्तर प्रदेश से बाहर वालों को कोई छूट आयु में नहीं दी जाएगी। अब आयु में छूट कितनी मिलनी है ध्यान से देखते हैं। चरित्र, उम्मीद है सभी का चरित्र अच्छा ही होता है, इस पर बात नहीं करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, ये फिटनेस की बात है, इसको भी बाद में लिखेंगे। भर्ती की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन था, इस बार एक भ्रम सा फैला हुआ था कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, लेकिन इन्होंने भी स्पष्ट करके जाएगी शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, जो कि एक कंडीशनल है। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्यालय आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 समय समय पर संशोधित होती रही है, वो बता दिया है उन्होंने कि अधीन किया जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा ध्यान से सुने, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अपेक्षा की जाएगी। देखिए यहीं पर मैं आपसे कह रहा था, इन्होंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया है, होने की अपेक्षा की जाएगी, होने की अपेक्षा की जाएगी, तो यहां पर कंफर्मेशन की तरह नहीं कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद है ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे। इस लाइन का मतलब यह है कि आप आवेदन करेंगे तो आपके आवेदनों में दी गई डिटेल्स की पुख्ता जांच होगी, अगर आप सही कैंडिडेट पाए जाते हैं तो ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, मतलब 99% ऑफलाइन हो सकता है क्योंकि ऑफलाइन की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में 32 प्रकार के प्रश्न आएंगे, वैकल्पिक आएंगे, ऑप्शनल आएंगे, 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे में होगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे, ध्यान से देखिएगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग होगी। 150 प्रश्न होंगे, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं जिन्हें देखने के आप यहां आए हुए हैं, और जल्दी से इसको मैं आपको बताता हूं। निगेटिव मार्किंग के लिए बहुत आपके मन में होता है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो यहां पर साफ मैं बता देता हूं कि 150 क्वेश्चन अगर 300 नंबर दे रहे हैं तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन जायज सी बात है, और इन्होंने साफ कहा है कि 2 अंक आपको एक सही प्रश्न के लिए दिए जाएंगे, एक सही प्रश्न करने पर 2 नंबर दिए जाएंगे और एक गलत आंसर देने पर ऋणात्मक यानी कि 0.5 मतलब 25% 1/4 या 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। अब बहुत अच्छा एक मुद्दा आप जानना चाहते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, चलते हैं उसी साइड में। OMR पे देखो, इन्होंने यहां साफ लिखा हुआ है परीक्षा OMR, OMR का मतलब है कि ऑफलाइन ही आपकी OMR सबमिट कराई जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर एक लाइन दी गई है लिखित परीक्षा में। अच्छा बच्चों, मैं सभी को एक बात बता देता हूं, आप बहुत ज्यादा किसी भी डिटेल के लिए इधर उधर ना भागा करें, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ध्यान दिया करें, सारी चीजें विस्तृत रूप से दी हुई होती हैं। लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा अंकों के प्रसमानीकरण नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन बेसिक सूचना विज्ञप्ति दिनांक में अपनाई जाएगी। अब इन्होंने एक शर्त क्या कही है, अब आप इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये होगी या नहीं होगी, इनकी तो बात स्पष्ट है नहीं, तो मैं बता देता हूं। लिखित परीक्षा में 1 से अधिक पाली, मतलब कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, 1 दिन में 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्टों में, हालांकि यूपीपी का एग्जाम 2 शिफ्टों से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि टाइम लगता है इसमें, अथवा 1 से अधिक दिनांकों में। अब एक बात बताइए, 5 साल बाद वैकेंसी आई है, उम्मीद है 40-50 लाख, 25 से ज्यादा तो भरेगा ही, 40 लाख के करीब बच्चा, 50 लाख के करीब बच्चा अप्लाई करेगा, तो 1 दिन में तो करा नहीं पाएंगे, ना ही 1 शिफ्ट में करा पाएंगे, और 2 शिफ्ट से ज्यादा अगर हो गया तो नॉर्मलाइजेशन संभव है। तो आप मेरी तरफ से 100% श्योर हो जाइए कि यहां पर तुक्केबाजी का ख्याल छोड़ के आप सही क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए और आगे देखते हैं कितने काम की बातें हैं इसमें, और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपके मतलब की हैं। शारीरिक मान परीक्षा अभिलेख, हाँ यहां पर हाइट वगैरह देखते हैं, ये ध्यान से देखिए, शारीरिक मानक
शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नमत है, आगे की डिटेल में देखते हैं। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीने का 79 होना चाहिए, बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने का होना चाहिए। फुलाव तो आपने वैसे भी देखा होगा, हर जगह 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं, तो अगर 79 आपका सीना है और फूलने के बाद में 84 सेंटीमीटर का हो सकता है तो आप योग्य पाए जाएंगे, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर और कम से कम फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये कंडीशनल हमेशा से चलती चली आ रही है, ये कोई नई जानकारी नहीं है कि इसमें कोई बदलाव किया गया हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर। वजन की बात की जाती है तो न्यूनतम 40 किलो वजन यहां पर होना चाहिए, न्यूनतम का मतलब कम से कम। अब शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के बाद, फिजिकल की बात जो होती है वो बहुत ही जरूरी है। देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता के लिए, शारीरिक मानक परीक्षण का मतलब आपकी हाइट नापी जाएगी, आपका चेस्ट चेक किया जाएगा, अगर आप सफल हुए तब दौड़ में आपको आगे जाने दिया जाएगा, सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और अहंकारी प्रकृति की होगी। इस सरकारी दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष निम्न अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की दौड़ होगी, 4400 मीटर का ग्राउंड होता है जो 12 चक्कर लगाने होते हैं आपको, और 25 मिनट में आपको करना है, जबकि महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर की दौड़ मात्र 14 मिनट में पूरी करनी है। वे अभ्यर्थी जो वेद समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं उन्हें तो उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और आगे देखते हैं चयन तथा अंतिम योगदान, बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, यानी कि जो भी होगा काम ऑन द स्पॉट हो जाएगा, सीधे मेडिकल, पहले आपका रिटन, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल, उसके बाद में मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद ज्वाइनिंग, कोई भी वेटिंग नहीं रखी जाएगी, मतलब उम्मीद नहीं है नेक्स्ट कुछ होने की। आरक्षण की बात करते हैं, जो कि एज में आप लोग देखना चाहते थे, आरक्षण व आयु सीमा में छूट, उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह है पूरा ग्राफ आपके आयु में छूट के लिए। देखिए वर्टिकल आरक्षण जो आपको दिया जाएगा, इसमें आपके लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 साल का आरक्षण यहां पर बताया गया है। अधिकतम आयु में 5 साल का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और आगे की कैटेगरी में देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 साल का बताया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अब आयु के बारे में आपको मैं एक बार बता देता हूं, 18 से 22 कहा है इन्होंने, तो सामान्य वाले 22 वर्ष तक, ओबीसी वाले 22 और 5 27 वर्ष तक, एससी और एसटी 22 और 5 27 वर्ष तक, बिल्कुल क्लियर आपको पता चल गया होगा। भूतपूर्व सैनिक अगर है तो 3 वर्ष के लिए, और देखते हैं कुछ काम की आपसे अगर बातें होंगी, नहीं बस इतनी खास जानकारियां होती हैं जिनको आप जानना चाहते हैं। और एक और खास बात यहां पर आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम की डेट क्या होगी, एग्जाम की डेट से रिलेटेड अभी कोई सूचना जारी नहीं की गई है, वो आयोग के पास ही उसकी जानकारी होगी, वही आपको धीरे धीरे अपडेट करेंगे ही करेंगे, और तैयारी में लगे रहिए। 5 साल का वेट था, मेरी उम्मीद करता हूं कि जितनी भी खास जानकारियां थी उतनी मैंने आपको दे दी हैं, इनको आप अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन पर ही आप फॉर्म अप्लाई करें। बस एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखें, फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो आप किसी जानकार व्यक्ति से ही करवाएं, किसी अच्छे साइबर कैफे से ही करवाएं, खुद भी करने की कोशिश ना करें। कई बार आप मोबाइलों से करने लगते हैं, मोबाइल के मानकों में और साइबर कैफे वाले के मानकों में बहुत फर्क होता है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, समय से आवेदन करें, और जल्द मिलेंगे क्लास के साथ में आपकी तैयारी कराने के लिए।
ओके, नमस्कार, धन्यवाद।